नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। लखीमपुर खीरी संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के गांव में तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस एसएसबी की मिली भगत से दर्जनों साइकिलों से नेपाली व भारत के लोगों ने खाद जैसी इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर का सामान भारत से नेपाल ले जाते हैं, लेकिन अस्थाई की एसएसबी बॉर्डर पर होने के बावजूद भी तस्कर के हौसले बुलंद हैं। जैसे कि देखा जाए वीडियो आपके सामने, नेपालियों से इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर व खाद आधा आधा कट्टा से लेकर एक से डेढ़ कट्टा दर्जनों साइकिल से भारत व नेपाल ले जाई जा रही है, लेकिन कोई अधिकारी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखा जाए तो शांति नगर से संपूर्ण नगर होते हुए पुलिस के निगरानी के सामने 7 किलोमीटर की दूरी तय कर इसी तरह की भुरजुनिया में कई दुकानें हैं, लेकिन वह एक भी एसबी शरदपुरिया कैंप के सामने से होते हुए निकलती, लेकिन न तो पुलिस और न ही एसएसबी।